डियर स्टूडेंट, माय नेम इज अशित कुमार एंड योर साइंस टीचर अजीत तलवा। आज हमारी 7 जुलाई 2020 चैप्टर नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11.6, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये हमारी फिजिक्स से रिलेटेड ब्रांच है, दैट कंसर्न विद द बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कंट्रोल करते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच ने रेवोल्यूशनरी चेंज ला दी पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमारे इनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, हमारे माइक्रोफोन यानी मोबाइल फोन, हमारा मोबाइल फोन, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यहाँ हमारे पास जो मॉडर्न किस्म के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें हमारे एसीज घर के अंदर जो हमारे डोमेस्टिक पर्पजेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटर और जितना भी जो शॉपिंग प्लाजा में हम जा रहे होते हैं, और शॉपिंग प्लाजा से हम जब कोई शॉपिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर वो स्कैनिंग कर रहे होते हैं हमारे आर्टिकल्स को, जिनको वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज इस्तेमाल हो रहा होता है। असल में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसकी जो वेल नोन एग्जाम्पल्स है वो टीवी, टेलीविजन। टेलीविजन इसकी नॉन एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, असल में इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने एक शॉर्ट किस्म की वेव्स को, सिग्नल्स को सेंड करते हैं और उन सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उन सिग्नल्स को दोबारा हमारे विजन यानी विजन डिकोडर के जरिए विजन एम्पलीफाइंग करते हैं, और इसके अलावा जो साउंड हमारे वेव्स होती हैं यानी उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर उसको एम्पलीफाई किया जाता है। तो आज हम इसका एक स्केच और एक टेबल देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि टीवी के लिए या तो एरियल का इस्तेमाल किया जाता है या केबल का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट थिंग, जैसे कि आपको पता है कि टेलीविजन की जो भी नशरियात होती हैं उनको एक शॉर्ट अल्टरनेटिंग करंट वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उनको उनकी जो साउंड्स हैं या उसकी पिक्चर वैल्यूज हैं उनको उस सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले एरियल जो होता है, एरियल इनको कलेक्ट कर रहा होता है, ट्यूनर्स को ट्यून्स करता है, ट्यूनर आपके पास उत्तरी पुराने जो टेलीविजन है वहाँ पर ट्यूनिंग, जैसे कि रेडियोज होते थे तो उसमें भी हम उस चैनल्स को जब ट्यून्स करते थे एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब वो अटैच हो जाते थे तो वो चैनल जो है टेलीविजन पे या रेडियो में हमें दिखाई और सुनाई देता था। इसके अलावा ये ट्यूनर डिकोड करता है, दो डिकोडिंग होती है, यहाँ एक विजन डिकोडर होता है विजन डिकोडर और दूसरा इसके अंदर ऑडियो डिकोडर होता है। एक विजन डिकोडर और ऑडियो डिकोडर को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट से सप्लाई किया जाता है ताकि इसको एम्पलीफाई किया जा सकता है। तो विजन डिकोडर को और ऑडियो डिकोडर को हम एम्पलीफाइड करते हैं, तो ये विजन एम्पलीफायर। इलेक्ट्रिक करंट को हम सप्लाई करते हैं विजन एम्पलीफायर। यहां पर हम क्या करेंगे, ऑडियो एम्पलीफायर। ऑडियो एम्पलीफायर और विजन एम्पलीफायर को पिक्चर ट्यूब के जरिए हम विजन यानी वीडियोस को देखते हैं, पिक्चर ट्यूब के जरिए। एक गन लगी हुई थी, उस गन के जरिए पूरी एक जो पिक्चर है इंफॉर्मेशन हो रही होती है। ऑडियो एम्पलीफायर को हम स्पीकर के जरिए, लाउड स्पीकर के जरिए, ये लाउड स्पीकर।
लाउड स्पीकर के जरिए हम जो है उसकी आवाज़ सुनते हैं। तो अजीज तकबार, आज के हमारे लेक्चर के दौरान हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हमें एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तमाम जो कंसेप्चुअल स्टडी है वो इजीली हमें समझने में आसानी होती है, तो इसमें सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन को हमने स्टडी किया, उसके बाद मैंने आपको इस टेबल को स्टडी कराया। इस तरह आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर में कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।